डुमरी के पदस्थापित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुमित प्रसाद ने लिया पदभार ग्रहण। डुमरी अनुमंडल पुलिस कार्यालय में नव पदस्थापित SDPO सुमित प्रसाद को निवर्तमान SDPO मनोज कुमार से पदभार ग्रहण किया। नव पदस्थापित SDPO ने कहा कि अनुमंडल क्षेत्र में सौहार्द एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने व विधि व्यवस्था संधारण के दिशा में पूरी प्रतिबद्धता से कार्य किया जाएगा, साथ ही अपराध नियंत्रण उनकी पहली प्राथमिकता होगी। इसके पूर्व उपस्थित पुलिस अधिकारियों ने नए SDPO को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया तथा निवर्तमान SDPO को पुष्पगुच्छ देकर विदाई दी गई। मौके पर इंस्पेक्टर परमेश्वर लियांगी, निम्यागढ़ थाना प्रभारी साधन कुमार, मधुबन थाना प्रभारी राजू मुंडा, पीरटार थाना के SI गौरव भगत, खुखड़ा थाना प्रभारी अजीत महतो, हरलाड़ी OP अजय सोया आदि उपस्थित हैं। नए SDPO के सर आप ज्वाइन किए हैं डुमरी में, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या प्राथमिकता रहेगी सर? देखिए, कानून व्यवस्था विधि व्यवस्था को जो हमारे कलीग हैं मनोज जी वो पहले से बनाए हुए हैं, उसको और भी हम लोग दुरुस्त करेंगे, उसके लिए भरसक प्रयास किया जाए और जो सौहार्द की भावना है लोगों के यहाँ पे वो बना रहेगा और उनसे भी अपेक्षा यही रहेगी कि वो सौहार्द भावना बनाते हुए सारा चीज़ करें। हम सारा कोई इशू नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्याएं हैं उनसे हम निपटेंगे और अच्छी तरह से निपटेंगे। क्योंकि साइबर में जो पुराना एक्सपीरियंस है 5 साल का, तो साइबर के मामलों में तो यहाँ अगर इस क्षेत्र में अगर साइबर का मामला आएगा तो कोशिश यही रहेगी कि उसको जितना जल्दी हो सके त्वरित गति से जैसे पूर्व में भी किया गया उसका निदान होगा। उसके अलावा और भी जो अन्य समस्याएँ हैं उनकी भी जो प्राथमिकता के बेसिस पर समाधान हम लोग करेंगे।